ये देखिए एक जींस है, इसका लंबाई ज्यादा है, मैं इसकी लंबाई कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे मैं इसका जो नाप लिया हूँ ये इतना छोटा करना है मुझे, ऐसे फोल्ड करके आपको जितना छोटा करना है उतना आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फिर बैक साइड में ही आपको सिलना है। ये हाथ से भी हो जाता है, टाइम ज्यादा नहीं लगती है इसके लिए। ऐसे पूरा राउंड करके हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए पूरा राउंड करके मैंने ये सिलाई कर लिया हूं। अब जब इसका फोल्ड खुलेंगे तो ऐसा होगा। ये देखिए देखिए ये जींस का जो लेंथ था वो भी शॉर्ट करना पड़ा और जो फिटिंग्स है वो भी लूज है, इसीलिए मैं इसको साइड से सिल लूंगी। तो देखिए कैसे आपको सिलना है। ये फ्रंट साइड से आपको सिलना होगा। दोनों साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लेना है आपको। ऐसे सिलने के बाद ये धागे को आप खींच लेंगे। थोड़ा थोड़ा सिलने के बाद धागे को खींचने से ऐसा आएगा और ये सिलाई जो मैं कर रही हूँ वो फ्रंट साइड से देखने से पता भी नहीं चलेगा। दोनों साइड से ऐसे ही करना है हमें। ऐसे धागे को खींच लेंगे हम। सिलाई ऐसे आएगा। ये देखिए ये मेरा सिलाई अभी कंप्लीट हो गया है। ये मैंने हाइट को शॉर्ट किया था ऐसे और फिर साइड से
इसके सिल साइड से भी छोटा कर दिया है। ये देखिए मैं ये जीन्स का वेस्ट भी थोड़ा एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है वेस्ट में, तो इसको कैसे मैं एडजस्ट करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। ये जो जीन्स है इसके ऊपर ये जो इलास्टिक है मैं ऐसे फोल्ड करके ये अंदर से सिलाई दूंगी। देखिए दो तीन बार मैं इसके ऊपर एक ही जगह में सिलाई दे रही हूँ क्योंकि इसका टाइट होना जरूरी है। एक साइड होने हो जाने के बाद मैं ये दूसरा साइड ऐसे खींच के इसके ऊपर आप दो तीन बार सिलाई लगा देंगे तो ये टाइट रहेगा, फिक्स अच्छा होगा। ये देखिए ऐसा होगा, जब पहनेगी तो ये ठीक आ जाएगा। ऐसे वेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।